ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, 8 तारीख को चंद्रग्रहण है और ये चंद्रग्रहण बहुत ही चीज़ें बदलकर आपके लिए जीवन में लाने वाला है। तो क्या चीज़ें बदलने वाली है, इसको आप विस्तार पूर्वक जानिएगा। चंद्र जो होता है मन का कारक होता है, तो आने वाले 1 महीने तक आप तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी चीज़ों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, सोचना, समझना या किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेने में थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप उसे जितना ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे चीज़ें खराब होती जाएगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं और कर्ज के थ्रू कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो 1 महीने वेट एंड वॉच करें, सोच समझ कर इस दरमियान कर्ज लें, क्योंकि धन चंद्र की जो गति होती है वो घटने और बढ़ने वाली होती है। इसलिए इन 1 महीनों तक हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। तीसरा है, चोट चपेट और दुर्घटना और स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है, तो इसलिए हमें स्वास्थ्य पर और इन चीज़ों पर बहुत हद तक और ज़्यादा सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा केयर आप अगर रखेंगे तो शायद इससे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस ग्रहण के बाद जीवन में कुछ चीज़ें जो हैं एकदम से ऐसे परिणाम मिलेंगे जो परिणाम आपने सोचे नहीं हैं। एकदम से ऐसी चीज़ें होगी जिनके बारे में हम तैयार नहीं हैं। इसलिए हमेशा खुद को 1 महीने तक जो आने वाला समय है बहुत शांत रखें, चीज़ों को बहुत गंभीरता के साथ देखें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती है दोस्तों। क्योंकि ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता था, लेकिन दोनों ग्रहण, सूर्य और चंद्र दोनों बैक टू बैक 15 दिनों के बाद आने की वजह से कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो व्यापारिक स्थितियाँ हैं उनमें भी एक आर्थिक नुकसान हो सकता है, और खासकर जो शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट के व्यापार करने वाले, शेयर मार्केट में जो पैसा निवेश करने वाले लोग हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एकदम से डाउनफॉल आ सकता है। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा अभी आने वाले 1 महीने तक ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपको उपाय के तौर पर जब भी ग्रहण खत्म होगा 8 तारीख को, ग्रहण के बाद आप चावल दान करें, दूध दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े दान करें, सफ़ेद वस्त्र दान करें और अपने गुरु मंत्र का जाप करें ग्रहण के दरमियान। इसके अलावा आने वाले 1 महीने तक आप खुद को बहुत शांत रखें, किसी विवाद, लड़ाई, झगड़े से दूर रहें और अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।